माही भैया काहे इतना रोज रोज आईपीएल का टेबल पे नजर गड़ा के रखते हो। अरे ओ लुप्पर दद्दू, हमको का पड़ी है आईपीएल के टेबल की। हम तो ये सोच में पड़ गवा है, अक्षर पटेल का अक्षर काहे नहीं पढ़ सके हम। अब समझा, इसीलिए आप इस दूरदर्शिका से उसके अक्षर पढ़ रहे हो। हट बुड़बक, हमको किसी को पढ़ने के लिए दूरदर्शिका की गरज नहीं। अरे हमारी आंखों में तो बचपन से ही सामने वाले को पढ़ने के लिए डिक्शनरी फिट हुई है। क्या बात है माही भैया, आपको तो गॉड गिफ्ट मिला है, लेकिन हमरे को लगता है कि आप इस साल अपने गिफ्ट का कोई वापर नहीं कर रहे हो। हट बुड़बक। क्या हुआ माही भैया, इतना तिलमिला क्यों रहे हो? दूरबीन से केदार जाधव देख लिए का? अरे नहीं रे लुप्पर दद्दू, हम पॉइंट टेबल ही देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई और दिख रहा है। ये कौन है भैया, बताइए बताइए कौन है? ये तो डीसी का गब्बर हुआ है। गब्बर को कैसे पता चल गवा हमारे बारे में? रहट बुड़बक, ये लोग तो टेबल के भी टॉप पे बैठे हैं। वो गब्बर के साथ उनकी बसंती भी बैठी है क्या? अरे लुप्पर दद्दू, हम शादीशुदा है, इस मखमली सिंहासन पर बैठकर हम बसंती को काहे निहारेंगे? भाई हम भी तो शादीशुदा है। अगर ये बात हमने नताशा को बता दी तो तुहार बताशा तोड़ देगी वो। अरे भैया हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो चाहते हैं आपकी आईपीएल टीम टेबल के सबसे टॉप पे हो। ये देख हार्दिक ने हमारी पलटन से कैसी पलटी मार लिया, वो सीएसके की टीम को टॉप पे देखना चाहता है। आपको इस दूरदर्शिका से दूर के सुनाई भी देता है? क्या बात है, मजाक किया, हमारा दिल तो बुदबुदा गया। ये ऐसी वैसी दूरदर्शिका नहीं है, ये दूरदर्शिका पड़ोस वाले की काकी की है जो एयरपोर्ट में भूल गई थी और फिर इसकी नीलामी हो गई। फिर अंबानी ने इसे 4 करोड़ में खरीदा और मुझे दे दिया ताकि मैं इस आईपीएल के पॉइंट टेबल को अच्छे से देख पाऊँ और किसी की भी चुगली सुन पाऊँ। चिकू भैया क्या देख रहा है, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, मेरा मतलब चिकू भैया क्या सुन रहा है देखो ना, मेरा मतलब। समझ गया तेरा मतलब, समझ गया। असल में चिकू बल्लेबाजी ऐप में अपनी टीम बना रहा है। चिकू भैया बल्लेबाजी ऐप में डिपॉजिट कर लिए क्या? हाँ, और इस आईपीएल मैच के लिए मैंने मेगा लीग भी ज्वाइन कर लिया है, और वो भी सिर्फ 49 रुपीज में। इससे मैं 15 लाख रुपए जीत सकता हूँ, और इसके ब्रांड एम्बेसडर यूवी पाजी है जो आगे ही बैठे। इसमें तू बैटिंग और बॉलिंग फैंटेसी खेल, कॉम्पिटिशन कम मिलेगा और ज्यादा पैसे कमाएगा। बस कैप्टन और वाइस कैप्टन लेके अपनी टीम बना और इसमें अच्छा खासा अमाउंट जीत ले, ये इस ऐप की एकदम यूनिक बात है, ये और कहीं नहीं मिलेगी। भाई मैं भी इसी ऐप में खेलता हूँ क्योंकि ये एकदम सेफ और सिक्योर है, और पैसे भी आसानी से पेटीएम या बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, और साथ में 24 घंटा कस्टमर केयर सपोर्ट भी मिलता है। दोस्त को रेफर करेगा 100 रुपए बोनस भी मिलेगा, और इस साइनअप कोड का यूज करेगा तो 100% बोनस अमाउंट भी मिलेगा, पर उसके लिए डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। चीकू तो बहुत पैसे कमा रहे हैं मुन्ना लोग, आप भी कमाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन से इस ऐप को डाउनलोड करो। और ये हम का देख रहे हैं, राहुल बाबा इधर का कर रहे थे? कल हमें हरा दिया तो का हुआ, टेबल वा में तो हम अब भी टॉप पे हैं। रोहित भैया, प्रीति मैडम वह तो खुशी से झूम उठ गई होंगी। का देख रहे हो राहुल बाबा, पॉइंट टेबल वा में का हो रहा है, हमें भी दिखाओ। मेरे प्रिय बालक गेलवा, कल हमने बता दिया सबको कि हम मैच जीत के भी उसे सुपर ओवर तक ले जाके वहाँ से सुपर ओवर भी टाई करके सबका भेजा फ्राई कर सकत है। अब जाके हमारी तपस्या का हमें फल मिलना शुरू होवत है। प्रीति मैडम वा को भी हमने कल बोल दिया बानी कि हम उन्हें आईपीएल ट्रॉफी दिलवा के ही दम लेंगे, क्योंकि मैं फॉर्म में हूँ। हमरे को लागत है राहुल बाबा, हमारी किस्मत इस साल बड़ी अजीब है। नादान बालक, अजीब नहीं, हम अजूबा है इस आईपीएल के, जहां पहली बार सुपर ओवर के बाद एक और सुपर ओवर होवत है, फिर भी हम कुछ नहीं खोवत है। आईपीएल में हमारी एंट्री के बाद सबको मजा आवत है, चलो हम जाके कुछ खावत है। नादान बालक गेलवा, इतना मत खा तू भेलवा, वरना फिर से खत्म हो जाएगा तेरे पेट का खेलवा। हमने तो अभी शुरू किया खेलवा, खाके भेलवा, हम सबको पिला दूंगा सोयाबीन का तेलवा। रोहित भैया, गब्बर क्या बोल रहा है, सुनो ना सुनो ना। हाँ सुनता हूँ सुनता हूँ, तू टेंशन मत ले। इनको लगता था हमरा फॉर्म लूना में चूना खरीदने गया था। इनको मालूम नहीं जब गब्बरुआ की बसंती नाचती है ना तो कंगन भी टूट जाते हैं। घुंघरू टूटेंगे ना, कंगन कैसे टूटेंगे भैया? हाँ वही बोल रहा था मैं। गब्बर भैया, अब तो आपके बसंती के साथ आप शादी कर लो। काहे को हमरे सुखी संसार में आग लगाना चाहता है रे, हम तो शादीशुदा है ना। हम तो बस आपका मनोबल बढ़ाना चाहते थे। मनोबल नहीं, हमें पॉइंट टेबल का बल बढ़ाना है। इस दिवाली में मैं बम्लेश्वर जाऊंगा और वहाँ जाके उड़न खटोला में सवारी करूंगा। और तू उड़न खटोला में जाके कौन सा घोटाला करना चाहता है, और वो भी दिवाली में? लगता है आईपीएल के सारे पैसे तू उधर ही खत्म कर देगा। लेकिन इस साल गरबा नहीं है ना, इसीलिए उड़न खटोला में अनूप जलोटा के साथ जाना चाहता हूँ। और तू अनूप जलोटा के साथ लोडा लेके जाएगा क्या? हाँ भाई, वहाँ हम बर्फ पानी खेलेंगे। और वहाँ तेरा पेट खराब हो गया तो वहाँ पानी नहीं बर्फ मिलेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इतना खुले में सोच करेगा तो ऐसे ही सोच आवेगी और पिछवाड़े पे मोच आवेगी।
वहाँ तो हम मलम पट्टी भी नहीं लगा पाएंगे। मलम पट्टी से याद आया, पॉइंट टेबल ने हमसे क्यों कट्टी कर ली है, डीसी को क्यों टॉप पे कर दिया। लगता है डीसी के बैटमैन ने हमारे स्पाइडरमैन के जाले को साफ कर दिया। समझ गया। अब दिवाली आने वाली है तो बैटमैन भी अभी दिवाली के लिए साफ सफाई शुरू कर दिया है। हमरे को मालूम नहीं था ये इतने स्मार्ट हो गए। इन सब को हवा में उड़ने दे, जब ये थक जाएंगे ना तो हम उड़ाना के साथ उड़ेंगे। हाँ, इनको तो हमारे टीम के बारे में रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है। हाँ, इनको नहीं मालूम, हम इस टेबल में सबसे टॉप करेंगे। टॉप कौन करेगा मुन्ना लोग, आप बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बल्लेबाजी ऐप में अपनी टीम बनाइए ना, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में।